हेलो एवरीवन, सो आज हम ISI के PEB की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। MSQE के लिए हम कर रहे हैं मास्टर्स इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्ट से। आई थिंक मैं क्लास नंबर 8 डाल चुका हूँ और आप लोगों ने शायद यूट्यूब पे देख भी लियो। आज हम क्लास नंबर 9 में, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूँ। आई होप मेरा नंबर ठीक हो, नंबर ऊपर नीचे हो तो क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। सो मैंने जैसा भी आप लोगों को कहा था कि प्रैक्टिस करो अच्छे से हैमंड के ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस PEB के प्रोस्पेक्टिव से। स्टैटिस्टिक्स भी करना ज़रूरी है, ऑल दी डिस्ट्रीब्यूशंस, रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, MLE, मतलब सब पढ़ना अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इग्नोर होता है, इस टाइप के सवाल। मुझे ये क्वेश्चन काफ़ी पसंद है, ये ग्रेजुएशन में थोड़ा हाई लेवल टफेस्ट क्वेश्चन में काउंट होता था। और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल ISI वालों का शुरू से फेवरेट रहा है, चाहे वो पॉलिनोमियल में रूट्स स्क्वायर वाला हो, मतलब क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, पावर 4 हो, n हो, यू विल फाइंड, मतलब यू कैन सी। आई होप पास्ट ईयर्स बच्चों ने अगर देखे हों तो उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जहाँ पे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं, जहाँ पे IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और इन्वर्स फंक्शन थ्योरम भी बहुत जगह यूज़ की गई। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मीन वैल्यू थ्योरम। मेरी रिक्वेस्ट है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आई होप काफ़ी स्टूडेंट ने उसे देखा हो। बहुत देर लॉट्स ऑफ टॉपिक, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इनवर्स फंक्शन थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, होमोथेटिक फंक्शन, कॉन्वेक्स सेट, दीज ऑल आर दी टॉपिक्स फॉर यू, लियोंटिफ मॉडल, बहुत टॉपिक्स बच्चों डाले हुए हैं। सारे के सारे इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो है, और मास्टर्स लेवल के लिए जो इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी वीडियोस, मतलब सब आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए बातें हो गई बहुत, अब शुरू करते हैं। कह रहा है ये एक फंक्शन है, कह रहा है शो दैट इफ दिस फंक्शन हैज़ 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब यहाँ पे डिफरेंट और डिस्टिंक्ट एक ही बात हो गई, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। देन 4a³ प्लस 27b² इज़ लेस देन 0, ओके। अगर इस फंक्शन के 3 रूट एग्जिस्ट करेंगे अलग अलग, देन ये सिचुएशन आएगी। अब ये है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहली बात तो रूट्स का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आप लोग fx को 0 के इक्वेट करो, x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन वैल्यू आपको 0 आंसर दे, उसे हम लोग रूट्स कहते हैं, ओके। चलिए जी, सो आप लोगों को बोल रहा है इसके, इस क्यूबिक के अगर 3 रूट एग्जिस्ट करेंगे डिफरेंट तो ये कंडीशन आएगी। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा, बट कभी भी किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट एग्जिस्ट करते हैं, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ओके, ठीक है, और अगर इसके 3 डिफरेंट रूट एग्जिस्ट करते हैं, 3 डिफरेंट मतलब 3 ऐसी एक्स की वैल्यू जिस पे ये 0 होता है, तो इसमें कंडीशन होती है क्या, दैट f(c1) इंटू f(c2) इज लेस देन 0, जहाँ पर ये जो c1 और c2 होते हैं इन पे डेरिवेटिव वैल्यू 0 होती है। काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं, MA की कोचिंग लेते हैं, उनको मैं ये पूरा पढ़ाता हूँ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल अच्छे से। सो आपके पास इस फंक्शन c1 c2 क्या है, c1 c2 आर दी स्टेशनरी पॉइंट ऑफ दी फंक्शन। स्टेशनरी पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं, जिस पे फंक्शन की डेरिवेटिव वैल्यू 0 होती है, फंक्शन वैल्यू 0 नहीं, डेरिवेटिव वैल्यू 0। सो जिन पे डेरिवेटिव 0 आता है, जिन एक्स पे, उन एक्स पे फंक्शन वैल्यू का अगर प्रोडक्ट लेस देन 0 आता है, इसका मतलब इस क्यूबिक के 3 रूट होते हैं। अब ये कंडीशन अगर किसी स्टूडेंट को याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को टच भी नहीं कर सकता, टच तो करेगा आंसर फिर आगे लिख नहीं पाएगा, करूँ क्या मैं, ठीक है। सो वैसे इसके पीछे का थोड़ा लॉजिक, अगर मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल का डायग्राम 3 रूट का मतलब है कि वो 3 बार एक्सेस को कट करे, 1, 2, 3, 3 रूट्स हैं। प्लस ये जो पॉइंट है, अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने क्यूबिक का डायग्राम बनाया क्योंकि क्यूबिक का डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक आएगा, उसके 2 रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप देखो ये जो पॉइंट है, इस पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रहे हैं, तो इस पर डेरिवेटिव वैल्यू 0 होगी। और अगर C1 पे फंक्शन वैल्यू देखूं तो यहाँ पे पॉजिटिव है, और C2 पे फंक्शन वैल्यू देखूं तो यहाँ पे y वैल्यू नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो फ्रॉम हेयर दिस कंडीशन कम, ये मैं बहुत अच्छे से बच्चों को 1 घंटे के लेक्चर में पढ़ाता भी हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल,
और वैसे तो मैंने अभी क्यूबिक पॉलीनोमियल का इन 2024 तक तो कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाला है, बट देयर लॉट्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल फॉर सो मेनी टीचर्स, आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बाकी अगर मेरा मन किया, आप लोग अगर कमेंट पे लिखोगे सर क्यूबिक पॉलीनोमियल का वीडियो बनाओ बनाओ बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, चलो ओके। सो सबसे पहले ये कंडीशन मुझे पता लग गई कि अगर इसके तीन रूट हैं तो एफ ऑफ सी वन इंटू एफ ऑफ सी टू इज लेस देन जीरो होगा, और सी वन सी टू क्या होंगे जिसपे डेरिवेटिव वैल्यू जीरो होगी। तो मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव करूँ, इसका डेरिवेटिव आ गया मेरे पास थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू जीरो ले लो, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए बाई थ्री आ गई, और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट माइनस ए बाई थ्री आ गई। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट इसको ऐसे जज कर रहे होंगे कि माइनस ए बाई थ्री आ गया तो यहाँ तो आयोटा आ जाएगा। नहीं स्टूडेंट्स, आयोटा नहीं आएगा। अगर मान लो ए पॉजिटिव है तो फिर आयोटा आ जाएगा। अगर खुद बताओ ए पॉजिटिव है तो क्या डेरिवेटिव कभी जीरो हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि थ्री एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है। चलो थ्री एक्स स्क्वायर जीरो भी आ गया एक्स के जीरो पे, तब भी ए पॉजिटिव है तो ऐसा पॉसिबल नहीं। हमें सी वन और सी टू चाहिए ही चाहिए। सी वन सी टू क्या होते हैं? जिन पे डेरिवेटिव वैल्यू जीरो होती है। तो अगर मेरे पास ये दो वैल्यूज जो आई हैं प्लस माइनस रूट माइनस ए बाई थ्री, एक माइनस रूट ऑफ माइनस ए बाई थ्री है माइनस रूट ऑफ माइनस ए बाई थ्री, तो सी वन सी टू इसके तभी एग्जिस्ट करेंगे ये मान के हम चलेंगे कि ए लेस देन जीरो होगा। खुद बताओ, एक काफ़ी स्टूडेंट ने मेरा आई बी टी का वीडियो अगर देखा हो तो अगर ए पॉजिटिव हो जाए तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कभी भी तीन रूट होते हैं क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमेशा एक रूट होता है पॉलीनोमियल का, अगर आप लोगों को याद हो तो। तो इसलिए हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ए जो है वो लेस देन जीरो है। सो फाइनली ये आ गया माइनस ए बाई थ्री और ये हो गया माइनस ऑफ माइनस ए बाई थ्री। तो इसको आप सी वन मान लो, इसे आप सी टू मान लो। ठीक है, अब बेसिकली व्हाट इज द कंडीशन यू गाइज आर हैविंग, दैट फॉर डिफरेंट रूट्स, फॉर थ्री रूट्स, फॉर थ्री डिस्टिंक्ट रूट, एफ ऑफ सी वन इंटू में एफ ऑफ सी टू शुड बी लेस देन जीरो, यानी एफ ऑफ माइनस ए बाई थ्री और एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए बाई थ्री शुड बी लेस देन जीरो। ठीक है, क्लियर है? अब हम वैल्यूज पुट करेंगे आराम आराम से, ज़रा देखेंगे सारे के सारे स्टूडेंट एवरी वन। इसमें पुट करेंगे माइनस ऑफ माइनस ए बाई थ्री का क्यूब, ए माइनस ऑफ माइनस ए बाई थ्री प्लस बी। ठीक है, इधर आ जाएंगे माइनस ऑफ ए बाई थ्री का क्यूब, ए माइनस ऑफ ए बाई थ्री प्लस बी शुड बी लेस देन जीरो। ठीक है, सो व्हेन आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्या बचेगा मेरे पास, माइनस ऑफ ए बाई थ्री की पावर थ्री बाई टू माइनस ऑफ ए बाई थ्री प्लस में बी, दिस इज माइनस ए बाई थ्री की पावर थ्री बाई टू प्लस ए माइनस ऑफ माइनस ए बाई थ्री प्लस बी लेस देन जीरो। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा इसी पार्ट पे सॉल्व कर रहा हूँ गाइस। इस पोर्शन को मैंने ऐसे लिख दिया बी माइनस ऑफ ए बाई थ्री की पावर थ्री बाई टू प्लस ए रूट माइनस ए बाई थ्री ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। मैंने क्या किया, इसमें माइनस कॉमन ले लिया पहली दो टर्म्स। ओके, इधर आ जाओ बी प्लस माइनस, इसमें कुछ कॉमन नहीं लिया मैंने, इसको बस बी को पहले लिख दिया और इसे ऐसे ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। अब इसमें देखो फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये टर्म मेरी बी स्क्वायर हो जाएगी और ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए बाई थ्री थ्री बाई टू प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ ए बाई थ्री का स्क्वायर लेस देन जीरो। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज बी स्क्वायर, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बाई थ्री का क्यूब, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बाई थ्री प्लस ट्वाइस माइनस ऑफ ए बाई थ्री की पावर थ्री बाई टू, ठीक है, इंटू ए
स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ ए बाई थ्री ब्रैकेट वन लेस देन जीरो. सो व्हेन आई एम सॉल्विंग दिस, दिस इज माइनस ए क्यूब बाई 27, दिस इज माइनस ए स्क्वायर बाई 3, और थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओ, माइनस ए बाई 3 की पावर 3 बाई 2 और ए बाई 3 की पावर 1 बाई 2, माइनस ए बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो विच इज 2 ए क्यूब हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में, अगर इसको और इसको मल्टी स्क्वायर हो गया तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. आप प्लीज सॉल्व कर लीजिए, यही बचेगा, दिस इज बेसिक. नाउ व्हेन आई एम सॉल्विंग दिस पार्ट अगेन, अगर मैं 27 सेल्सियम ले लूँ तो माइनस ए क्यूब और उसके बाद माइनस 9 ए स्क्वायर और बचेगा 9 × 3 = 6 ए क्यूब, ठीक है, लेस देन ज़ीरो. फाइनली 27 बी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ये 9 और 1 10, 10 में से 6 गए 4, माइनस 4 एक सेकेंड क्यूब है ये, आई एम सॉरी मेक इट क्यूब, सो 4 ए क्यूब बच जाएगा अपॉन में 27 लेस देन से, तो इसको 27 को उधर भेज सकते हो पॉजिटिव. सो यही प्रूव हमें करना था, ओके, 4 ए क्यूब प्लस 27 बी स्क्वायर लेस देन से. सो आई होप आप सारे के सारे स्टूडेंट को ये प्रूव अच्छे से क्लियर हो गया हो, और आप प्लीज़ बस मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं और अच्छे सवाल दूँ, और आपके मोटिवेशन का तरीका क्या होना है, बस जितना वीडियो को शेयर कर सकते हैं करिए, और कमेंट पर ज़रूर लिखिए दैट हाउ डू यू लाइक द क्वेश्चन, पक्का, ओके. एंड मेरे से अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो अभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नमस्ते बच्चों.